डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में एक सब टॉपिक है अप्रोक्सिमेशंस। अप्रोक्सिमेशंस में आपको आज इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, आपको सिखाऊंगा कि अप्रोक्सिमेशंस जो है ये क्या है, ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में ये टॉपिक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सब टॉपिक। एक्चुअली जो अप्रोक्सिमेशंस हैं ये हम फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये जो इसमें एक टर्म हम लेते हैं डेल एक्स, इसको आप बोलते हो स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। ये डेल एक्स जो है ये एक एरर होती है, इस एरर का नाम है एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर इन एक्स है, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। ये आपको अभी समझ में आएगा कि ये डेल एक्स क्या होता है। एक्चुअली पहले आप याद रखो, डेल एक्स होता है एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अगर मैं लूंगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अगर मैं लूंगा, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर इन एक्स। रिलेटिव एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर इन एक्स। और अगर हम लिखेंगे डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इनटू 100, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स। ये अप्रोक्सिमेशंस में हम पहले ये तीन चीजें जो मैंने कही आपको, ये आप याद रखोगे और इसके बाद आप समझोगे ये डेल एक्स क्या है, डेल एक्स पे एक्स क्या है और डेल एक्स पे एक्स इंटू 100 भी क्या होता है। एक्चुअली आपने फिर समझना है डेल एक्स क्या होता है। पहले देखो, ये जो अप्रोक्सिमेशंस में हम देखते हैं, हम आपको याद होगा 11th क्लास में आपने फिजिक्स में भी एलिमेंट्री टूल्स में पढ़ा होगा और डेरिवेटिव में भी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ये जो डेल वाई बाय डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये होता है डी वाई बाय डी एक्स और इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो डेल वाई बाय डेल एक्स है, डेल वाई बाय डेल एक्स, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल रेशियो, इंक्रीमेंटल रेशियो, इंक्रीमेंटल रेशियो। इसमें डेल वाई है स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई, स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई, वाई एक फंक्शन में मैं अभी बताऊंगा आपको। डेल एक्स है, इसको आप बोलते हो स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, जिसको आप एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हो, स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। और डी वाई जो है इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इन वाई, डिफरेंशियल इन वाई। और डेल एक्स जो है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इन एक्स, डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशियल इन एक्स। अब मैंने इधर एक ग्राफ बनाया है, आप देखो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये एक फंक्शन का ग्राफ है। एक्चुअली ये एक फंक्शन का ग्राफ है, इस फंक्शन का नाम है लेट, मैं लिखूंगा लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ रियल फंक्शन। और इसी फंक्शन का ये ग्राफ है, यहां देखो आप, यहां ये इस फंक्शन का ग्राफ है। ये जो P और Q है ये बहुत ही नजदीक पॉइंट्स हैं इस ग्राफ पर, Q बहुत ही क्लोज है P के, ये दो पॉइंट्स है P और Q। हाल मैंने यहां थोड़े दूर, मैंने दूर ही ये Q बनाया है, दिया दिखाया आपको इधर, मगर एक्चुअली ये Q P के बहुत नजदीक है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द P। और आप देखिए ये जो कर्व है, ये फंक्शन है कर्व की फॉर्म में, इस पर ये जो पॉइंट P और Q है बहुत ही क्लोज है और P के जो कोऑर्डिनेट्स है ये x, y है।
और क्योंकि कोऑर्डिनेटर जो है ये है x प्लस डेल x, ये जो डेल x है ये बहुत ही छोटा इंक्रीमेंट, एक बहुत ही छोटा नंबर, ये है डेल x इस x के बहुत क्लोज, और अकॉर्डिंगली ये जो y है इसका जो डेल y है इसका भी थोड़ा एक्स्ट्रा एक नंबर ऐड किया गया है बहुत ही छोटा। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल x और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है y प्लस डेल y और p के हैं x कमा y, यहां देखिए आप। तो ये जो PQ है, मैंने PQ को ज्वाइन किया है तो PQ एक कॉर्ड कहलाती है, PQ एक कॉर्ड कहलाती है। अगर मैं यहां कहूंगा एज Q विल अप्रोच टू P, अगर ये Q बहुत ही क्लोज आएगा Q के नजदीक, इवन कि ये बराबर बिल्कुल, ये जो आपका ये डेल X है ये इंक्रीमेंट है स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन X, ये अगर हम जीरो के बराबर क्लोज रखेंगे जीरो के बराबर, इफ आई विल टेंड इट टू जीरो डेल X, इफ आई विल टेंड इट टू जीरो, तभी ये Q P के नजदीक आएगा। जब ये Q P के नजदीक आएगा तो मैंने एक टेंजेंट डाला है इस P पर, ये वाला टेंजेंट आप देखिए, ये वाला टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट, और ये टेंजेंट जो है ये मैंने P पर डाला है टेंजेंट, और इस टेंजेंट ने इस x एक्सिस के साथ पाई एंगल बनाया है। और इससे पहले जब ये कॉर्ड PQ था, कॉर्ड PQ उस टाइम मैंने जब ये प्रोड्यूस किया इधर, तो इस कॉर्ड PQ ने इस x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया है। तो आप देखो कॉर पी क्यों थीटा बनाती है एंगल एक्स एक्सिस के साथ, और ये जो टेंजेंट एट पी ये एंगल फाई बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, मगर कब, जब थीटा, जब ये क्यों अप्रोच टू पी, जब ये क्यों अप्रोच टू पी, जब ये क्यों क्लोज पी आ गया इन अदर वर्ड्स। तो ये जो मैंने अभी इससे पहले मैंने जो ये एक आपको डेरिवेटिव की वो डेफिनेशन दी है, वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपको मैं इधर फिर लिखूंगा, इट इज लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, ये हो गया बराबर डी वाई बाय डी एक्स, और इस डी वाई बाय डी एक्स को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी। तो टेन ऑफ फाई, ये डी वाई बाय डी एक्स जो है ये टेन ऑफ फाई कहलाता है, क्योंकि tan ऑफ फाई ही है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप, स्लोप मींस कि ये कौन सा एंगल बना रही है उसका टेंजेंट, उसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P, वो हम tan फाई के नाम से उसको हम जानते हैं, और वही tan फाई हो गया dy by dx के बराबर, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट x, और ये डेरिवेटिव तब बनता है इसके बराबर जब लिमिट डेल x अप्रोच टू जीरो हम कहते हैं। डेल एक्स इंक्रीमेंटल रेशियो, मगर जब ये डेल एक्स अप्रोच जीरो करता है तभी ये बराबर बनता है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पर आप ग्राफ में भी यहां पर देखिए, ये जो टर्म है एल एम ये है डेल एक्स, पी आर भी अगर हम लेंगे ये भी डेल एक्स है पी आर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा आपको, ये जो एस आर है, एस आर जब ये कॉर्ड नीचे आ गया, जब ये टेंजेंट बना एट पी, उस टाइम जब क्यों ने अप्रोच किया पी को, तो इस टेंजेंट ने इस लाइन को एस पर इंटरसेक्ट किया इधर। तो यहां देखिए आप, ये जो एस आर है, एस आर, ये एस आर आपका बना है डी वाई, ये एस आर बना है डी वाई। तो डी वाई और डेल वाई डिफरेंट है, आप बोलोगे डेल वाई क्या है, डेल वाई है क्यू आर, डेल वाई है क्यू आर, क्यों और है डेल वाई। तो एस आर जो है वो है डी वाई, और क्यों और जो है ये है डेल वाई, और पी आर जो है वो है डेल एक्स। अगर यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल, ये क्यों पी आर, क्यों पी आर है एंगल थीटा, तो अकॉर्डिंगली ये एंगल भी थीटा है, बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वहां से अगर हम ये पूरा अब एलोबरेट करेंगे, तो वहां से हमें निकलेगा लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ फाई। तो कहने का मतलब है कि ये रिलेशन जो मैंने इधर बनाई है लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स वो है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। और इसमें हर कोई चीज आपको मालूम है, आप डेल वाई भी आपने फिगर में देखा क्या है,
डेल एक्स भी आपने देखा क्या कहा है, डी वाई भी आपने देखा कहा है एस आर, और ये जो डी एक्स है ये डी एक्स तो और डेल एक्स ऑलमोस्ट सेम है, डेल एक्स और डी एक्स ऑलमोस्ट सेम है, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। इसी पर ये पूरी डिटेल्ड है, पूरी डिटेल मैंने इसी पर आपको कही है। अब इस ये जो मैंने बनाया है ये अभी तक जो मैंने आपको ये एक्सप्रेशन दिया है डेरिवेटिव का और ग्राफिकली समझाया है, इसको अप्रोक्सिमेशन के साथ क्या रिलेशन है मैं वो बता दूंगा आपको। देखो बेटा, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई डेल एक्स से डी वाई डी एक्स के बराबर। अगर मैं बोलूं डेल वाई बाई डेल एक्स वो हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। यहां लिखूंगा मैं एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, या हम लिखेंगे डेल एक्स टेंड्स टू जीरो इफ एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब है मैंने इसको ये लिमिट यहां से हटाया है, मैंने कहा डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया डी वाई डी एक्स के बराबर, ये अकेले हम नहीं लिख सकते इसके बराबर, नो मैंने इसको लिखा प्लस एप्सिलॉन। तो यहां लिखा मैंने ये डेल एक्स अगर जीरो के बराबर रखेंगे तब ये एप्सिलॉन भी जीरो के बराबर, ये भी टेंड करेगा जीरो को, जब ये टेंड करेगा जीरो को तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा विद लिमिट डेल एक्स अप्रोच जीरो डेल वाई डेल एक्स ये बन जाएगा डी वाई डी एक्स के बराबर। तो अब मैं थोड़ा अप्रोक्सिमेशन हम पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अब हम अप्रोक्सिमेशन की तरफ ही जाएंगे, तो ये मैं मिटाऊंगा, मैं लिखूंगा इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखोगे, अब मैं लिखूंगा डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया डी वाई बाई डी एक्स के बराबर मगर अप्रोक्सिमेटली, मगर अप्रोक्सिमेटली, ये एक्यूरेटली इसके बराबर नहीं है, दैट इज वाई अप्रोक्सिमेशन आर देयर। तो अब मैंने ये नहीं लिखा डेल एक्स अप्रोच जीरो इफ एप्सिलॉन अप्रोच जीरो। अब यहां से मैं डेल वाई का वैल्यू निकालूंगा, डेल वाई हो गया बराबर डी वाई बाई डी एक्स इनटू डेल ऑफ एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिलेशन जो है यही हम यूज करते हैं अप्रोक्सिमेशन के क्वेश्चन में। डेल वाई है स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई, डी वाई है डिफरेंशियल इन वाई, डी एक्स है डिफरेंशियल इन एक्स, डेल एक्स है स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन एक्स, और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है एक कर्व। इसी पर ये पूरी की पूरी डिटेल, मतलब ये जो मैंने बनाया है ये इसी पर एक्चुअली है, इसी कर्व पर। अब देखो कि क्वेश्चंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे। देखो बेटा, आपके एग्जरसाइज आपके ट्वेल्थ का जो मैथ है ये एक्चुअली शॉर्टकट रूल के तौर पर भी मैं इसको कहूंगा, अब ये शॉर्टकट रूल भी थोड़ा हम डिस्कस इसका करेंगे, शॉर्टकट रूल। देखो कैसे अप्रोक्सिमेशन में आपका सपोज कोई क्वेश्चन है शॉर्टकट रूल में, मतलब जैसे अप्रोक्सिमेशन में आपका कोई क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25.3। ये आपको मालूम है जब भी डेसिमल्स में आपने स्क्वायर रूट्स निकालने होते हैं वो एक्चुअली निकलता है, वो तो इरेशनल नंबर्स होते हैं यूजुअली, तो वो अप्रोक्सिमेशन ही होती है, दैट इज वाई के अप्रोक्सिमेशन यहां मतलब इन क्वेश्चन में ये अप्रोक्सिमेशन हम यूज करते हैं। अगर आपने ये स्क्वायर रूट ढूंढना होता है डेरिवेटिव को यूज करके, अगर आपने ये स्क्वायर रूट ढूंढना होता है आप क्या करोगे, आप पहले लिखोगे इसका स्क्वायर रूट है, आप लिखोगे स्टेप वन में लेट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। अगर ये होता क्यूब रूट, अगर ये होता पावर 1/10, अगर ये होता 18th रूट, अगर ये होता कुछ भी रूट में फ्रैक्शन में, तो आप अकॉर्डिंगली एक्स के ऊपर वो आप वो रखते। यहां पर रूट है तो आपने आपने लिखा वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे वाई प्लस डेल वाई हो गया बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, जब आपने इंक्रीमेंट्स दे दिए बोथ साइड्स। तो रिमेंबर वन थिंग, आपने क्या करना है, आपने यहां डेल वाई का वैल्यू निकालना है क्योंकि आपका डेल वाई ही है बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डेल वाई किसके बराबर होगा, इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस माइनस वाई माइनस वाई, ये वाई यहां आ गया तो आपका डेल वाई आ गया बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। यहां देखिए ये रिलेशन आपकी अब बन गई इंपॉर्टेंट रिलेशन, यहां से आपका रिजल्ट आएगा। देखो ये जो रूट के अंदर है 25.3 ये आपका है x प्लस डेल x, जो रूट के अंदर
जो रूट के अंदर जो नंबर है आपका वो होता है हमेशा ऑलवेज x प्लस डेल x. तो आप क्या लिखोगे पॉइंट टू इधर, हेयर x प्लस डेल x इज इक्वल टू 25.3. देखो ये एक तो ये 25 है, दूसरा ये 0.3 है. 25 आप x रखोगे क्योंकि अंडर रूट ऑफ 25 5 के बराबर हो गया. तो ये जो 0.3 है ये आप रखोगे दिस डेल x के बराबर. तो आपका ऑटोमेटिकली x का वैल्यू आ गया 25.3 माइनस 0.3, वो हो गया 25. रिमेंबर x का वैल्यू वही आपने रखना है जो रूट के साथ यहां कैंसिल हो जाता है, दैट इज वाई मैंने 25 रखा. इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करोगे आप इस y इज इक्वल टू रूट एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे. वो तो dy बाई डी एक्स हो गया बराबर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट एक्स. तो इसके बाद इस रिलेशन का आप नाम रखोगे इधर इक्वेशन अल्फा. अब हमें अल्फा से काम है. तीनों चीजें मैंने की है. पहले मैंने y के बराबर रखा है, इंक्रीमेंट्स दे दिए, वहां से डेल y का वैल्यू निकाला क्योंकि डेल y मुझे जरूरत है. ये रखा मैंने अल्फा. इसके बाद x प्लस डेल x मैंने इस रूट के अंदर जो वैल्यू है वो रखा है. इसमें मैंने छोटा वैल्यू जो है 0.3 वो मैंने डेल एक्स उसका नाम दिया है बिकॉज इट इज स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट. तो इसके बाद एक्स दिया है 25 इसीलिए ये तो कैंसिल होता है वैल्यू रूट के साथ. तो इसके बाद डी बाई डी एक्स इसको डिफरेंशिएशन करनी होती है, दैट इज 1/2 रूट एक्स. नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे मैं लिखूंगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन अल्फा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन अल्फा देखो इक्वेशन अल्फा क्या बोलती है. इक्वेशन अल्फा जो है इसमें डेल वाई है, व्हिच इज डेल वाई अभी आपने निकाला, डेल वाई है dy by dx into del x. मगर क्या approximately, it's approximately ये वैल्यू approximation तो है ही, is equal to under root of x plus del x, वो हो गया 25.3. इसके बाद माइनस डेल एक्स हो गया अंडर रूट ऑफ 25. तो बिकॉज x है 25. इसके बाद डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है 1/2 रूट एक्स. इसके बाद डेल एक्स वो हो गया 0.3. इसके बाद अंडर रूट ऑफ 25.3 माइनस 5. अब 5 को यहां ही लीजिए, अब 5 को यहां ही लीजिए. एक्चुअली अगर पहले ही जो मैंने यहां ये y इस साइड में लिया, मैं यहां पर भी इसको रख सकता हूं, मैं यहां पर भी इसको रख सकता हूं. चलो मैंने यहां ही अब ले लिया, अब वापस लिया उसको इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे. ये बन जाएगा 1/2 root 25 into 0.3 plus 5 is equal to under root of 25.3. ये आप calculate करो. ये calculate करने के बाद what will be the value? It is 1/10 2 into 5 into 3/10 plus 5 is equal to under root of 25.3. What is this value? It is 3/100 plus 5 is equal to under root of 25.3. तो ये इसका value क्या आ गया? 503. 100 into 5, 500. 503 divided by 100 is equal to under root 25.3. इसको सॉल्व करो. ये सॉल्व हो गया आपका. It is 5.03 is equal to under root of 25.3. तो आपने under root of 25.3 का वैल्यू निकाला 5.03. आपने वैल्यू कैसे निकाला? With the help of differentiation, with the help of approximations. तो इसीलिए जो भी कोई क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, फ्रैक्शन वाला कोई, मतलब सपोज डेसिमल में आप कोई भी, वो आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, विद द हेल्प ऑफ एप्रोक्सीमेशंस. दैट इज व्हाई कि ये टॉपिक, ये सब टॉपिक जो है, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. रूल तो आपको मालूम है. आप क्या करोगे, मैं जबानी भी बोलूंगा आपको ऐसे ही. पहले जो आपका क्वेश्चन होगा, जो रूट के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, जो भी पावर, जो फ्रैक्शन होती है उसके अंदर जो नंबर होता है, उसको हमेशा आप x प्लस डेल x के नाम से उसको जानोगे. x प्लस डेल x में डेल x आप छोटा नंबर रखोगे, x बड़ा नंबर रखोगे, मगर x वो नंबर रखोगे जो बाद में रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. इसके बाद आपने डेल y का वैल्यू वहां से निकालना होता है. जब डेल y होता है dy / dx * डेल x, वो आप सब्स्टिट्यूट उधर करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, और ऑटोमेटिकली एट द एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन. जो आपका क्वेश्चन होगा उसका वैल्यू निकलेगा. बाकी इंशाल्लाह रहमान हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.